रानी सती मंदिर जो नवरात्र के पश्चात 11 को हर वर्ष की बात ही जो राठौड़ बाबा की सवारी निकाली जाती है, गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है, उसी क्रम में आज भी जो ये सवारी है रानी सती मंदिर से प्रारंभ हुई और पूज्य महंत नौसरा मंदिर के जो युवाचार्य महंत हैं पूज्य श्री रामकृष्ण देव भैया, उन्होंने यहाँ आरती करके सवारी को जो है प्रारंभ इनका शुभारंभ किया और इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया और आरती के पश्चात जो ये राठौड़ बाबा की सवारी है, गणगौर की सवारी है, ये विभिन्न मार्गों से दादीधाम से होकर यहाँ से हेमेंद्र जी गर्ग के यहाँ वहाँ विश्राम होकर आगे राकेश जी गोयल के यहाँ विश्राम, उसके पश्चात पंचोली चौराहे पर जहाँ समृद्धि एम्पोरियम के बाहर उसका वापिस जो सवारी का विश्राम दिया गया और रामनगर और दयानंद कॉलोनी आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए नरसिंहपुरा खेड़ापति बालाजी मार्ग से होते हुए जो ये सवारी है पुनः दादीधाम मंदिर आई और उसके पश्चात जो है सभी को मंदिर उसका हमारा लच्छे का और मेहंदी का जो वितरण किया गया और जो पूरे क्षेत्र में खूब ही हर्षोल्लास से ये हर वर्ष की बात ही जो आसपास के लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिले और राठौड़ बाबा के हम दर्शन करें, इसी क्रम में सवारी का आज आयोजन किया गया। ये कम से कम 10 वर्ष से पूर्व से ये आयोजन किया जा रहा है और हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, आसपास के क्षेत्र के लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में हम इसे और भव्य बनाएंगे जैसे जैसे लोगों का सहयोग साथ जुड़ते जाएंगे। इसमें दो झाकियाँ भी साथ है और बैंड और शाही लवाजमे के साथ ढोल शाही लवाजमा और स्त्रियां नृत्य करते हुए पूरा इस मार्ग में भ्रमण किया और आगे भी इस कार्यक्रम का जो है इसी तरह आयोजन किया जाता रहेगा। रजत बंसल कोषाध्यक्ष और प्रचार मंत्री और यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं रवि जी गर्ग, हमारे मंदिर के पुजारी श्री राजू जी, प्रकाश जी चौरसिया, राकेश जी गोयल, ओम जी बंसल, इन सभी के सहयोग से ये सफल आयोजन किया गया। ये रामनगर दादी सेवा शक्ति समिति की तरफ से गत 10 वर्षों से लगातार गणगौर की सवारी, राठौड़ बाबा की सवारी निकाली जाती है, उसी क्रम में इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बाबा की सवारी निकाली गई जिसमें क्षेत्र की सभी महिला शक्ति ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, न केवल हिस्सा लिया बल्कि बाबा की सवारी को धूमधाम से निकालने में अपना सहयोग दिया और यहाँ की आसपास की सभी महिलाओं ने एकत्र होकर बाबा की आरती में हिस्सा लिया और साथ में नृत्य करते हुए बाबा की सवारी का आयोजन संपन्न किया। दादीधाम के संपूर्ण माह को संपन्न करने के बाद बाबा की सवारी पुनः दादी सेवा शक्ति मंदिर दादीधाम में पधारी और यहाँ से फिर अगले दिन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए लच्छा व मेहंदी के प्रसाद का वितरण किया गया।